मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त तो संभाजी पानपट्टे के मार्गदर्शन में आज मनपा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का एक शिविर रखा गया था। इस मार्गदर्शन शिविर को शाला पूर्व तैयारी नाम दिया गया था। मनपा के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के तर्ज पर बनेगी मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सरकारी स्कूलें। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सरकारी स्कूलों की 50 से ज़्यादा क्लास डिजिटल हुई है। 150 से ज़्यादा मनपा के सरकारी स्कूलों के शिक्षक इस शिविर में मौजूद हुए थे। इस शिविर में मौजूद हुए शिक्षकों ने कुछ सुझाव दिए तो किसी ने समस्याएं रखी। इस बारे में हमने मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे व शिक्षण विभाग की अधिकारी से बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आज 12 जून सोमवार को भाईंदर पश्चिम के नगर भवन में टीचरों की एक मार्गदर्शन शिविर लगाया गया था। इस शिविर में कई अहम जानकारी टीचरों को दी गई है, साथ ही साथ डिजिटल स्कूल के बारे में भी जानकारी दी। दिल्ली के तर्ज पर बनेंगे मीरा भाईंदर शहर के सरकारी स्कूल, इस तरह की बात भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे दी। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह की जानकारी दी मीडिया को। 15 जून से नया साल का जो शैक्षणिक धोरण है, शैक्षणिक उसके माध्यम से आज मुख्याध्यापक और शिक्षिका को बैठक बुलाई थी। उसमें जो सरकार के धोरण है, सरकार की जो गाइडलाइंस है, वो सबको हमने आदेश किया है। उनका जो कुछ स्कूलों में रंग रोगी है, कुछ बांधकाम का कोई इश्यू है, कुछ साहित्य का इश्यू है, कुछ शिक्षिका लोगों का कम से वो इश्यू जो है हम रिजॉल्व करेंगे। नए शैक्षणिक धोरण में वो एग्रीकल्चर विषय अभी वो डालने वाले इस सब्जेक्ट में वो जैसा आ जाएगा आपको मालूम पड़ जाएगा। सर, मीरा भाईंदर शहर में कितनी शिक्षक आई थी और कितने मीरा भाईंदर की इतने डिजिटल हुई? नहीं, इसके 50 स्कूल डिजिटल हो गए, 50 क्लासरूम डिजिटल हुए। आज हमारे पास 36 स्कूल है, उसमें जो 8,200 बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे लगभग 300 से 400 मुख्याध्यापक और शिक्षक बोलो टोटल 300 से 400 का। नहीं, जो रेगुलर जो गाइडलाइंस है सरकार की वही है, नया कुछ नहीं है। आज का जो कार्यक्रम होता तो शाळा पूर्व तयारी ह्या संदर्भाने होता। शाळा आपली 15 जूनपासून जी सुरू होणार आहे, त्या दृष्टिकोनातून शाळेमध्ये काय काय तयारी करायची आहे, वर्षभर आपल्याला कशा पद्धतीनं जायचं आहे, या संदर्भामध्ये सगळ्यांना मार्गदर्शन आणि आढावा घेण्यासाठी आणि आवश्यक त्या सूचना देण्यासाठी म्हणून आजचं हे बैठक मीटिंग याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। ह्या कॉर्पोरेशनच्या म्हणजे मनपाच्या शाळा आहेत ज्या आज उपस्थित होत्या, त्यातले 157 शिक्षक आहेत आणि कॉन्टॅक्ट बेसिसवरचे 50 असे एकूण म्हणजे 200 पर्यंतचे शिक्षक उपस्थित असावेत। कारण उपस्थिती पत्रक माझ्याकडे अजून आलेलं नाही, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला तंतोतंत आकडा सध्या सांगू शकत नाही। डिजिटल शाळा हा आपल्याकडे 19 शाळांना डिजिटल शाळा आहे, त्यामध्ये 50 क्लासरूम हे स्मार्ट क्लासरूम आहे, 50 वर्गांना दिलेलं आहे डिजिटल।